हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। तो जैसा कि जान ही पा रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद आज का हमारा न्यूज़पेपर सेशन हो रहा है। तो मीन्स कुछ इश्यूज़ की वजह से मीन्स न्यूज़पेपर सेशन नहीं हो पा रहा था। तो कोशिश करेंगे कि जितनी अब आगे के जितना कंटिन्यू हो पाए करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज की न्यूज़ पहले देखेंगे, उसके बाद हम अपने डिस्कशन की तरफ चलेंगे। तो आज जो हमारी पहली न्यूज़ है वो जो दिख रही है वो किससे रिलेटेड है? कांग्रेस से रिलेटेड है। हुआ क्या है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर के। तो वहीं पर जो अभी तक के चीफ मिनिस्टर थे, मतलब कि अब तो नए बन गए हैं, इसके पहले जो थे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर कौन थे? अमरिंदर सिंह थे। तो अमरिंदर सेज़ ही इज़ लीविंग कांग्रेस बट नॉट ज्वाइनिंग बीजेपी। तो मतलब इन्होंने क्या बोला है अमरिंदर सिंह ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह नाम है इनका, और तो इन्होंने क्या बोला है कि वो क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं लेकिन किसको ज्वाइन नहीं करेंगे, बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और ये इश्यूज़ किसकी वजह से हुए हैं? ये सिद्धू की वजह से हुए हैं, जो सिद्धू जिस हाँ सिद्धू की वजह से ये इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनकी पॉलिटिक्स को लेकर के। और नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ देखें तो बोला गया है कि मीन्स भावनीपुर बाय इलेक्शन सीज लो वोटर टर्नआउट। तो मीन्स भावनीपुर जो है, भावनीपुर में हुआ क्या है कि बाय इलेक्शन मतलब उपचुनाव हुए हैं, तो उपचुनाव में क्या देखने को मिला है कि लो वोटर टर्नआउट हुआ है। लो वोटर टर्नआउट का मतलब क्या है कि ज़्यादा लोगों ने वोट नहीं किया है, वोटिंग यहाँ पर नहीं की है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी? ममता बनर्जी की है, यहीं से वो लड़ रही हैं इलेक्शन, है ना, कि मीन्स बाई इलेक्शन। तो ये रहा। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ देखें तो हुआ क्या है कि मेक फार्मर्स पार्टीज़ इन केस टू ईज जैम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि एक्चुअली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक पर्सन ने क्या किया है कि याचिका दायर की है, और उसने बोला है कि जो जाम वहाँ पर लग जाती है क्योंकि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसको चलते उसको लेकर के बोला गया है। तो मेक फार्मर्स पार्टीज़ इन केस टू ईज जैम, है ना, कि क्या करें कि जो जैम को कम करने के लिए मीन्स पार्टीज़ को बना लिया जाए फार्मर की, है ना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि और जो रुकावट आ रही है उसको सही किया जाए। तो ये मेन हमारी आज की न्यूज़ थी। अब मीन्स हाँ, एक अगर हम देखें तो LAC को लेकर के है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि मीन्स चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर है, है ना, जो बॉर्डर है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो कह रहे हैं कि LAC इंसिडेंट्स विल गो ऑन टिल पैक्ट इज साइंड, है ना। तो जो हमारे मीन्स क्या बोल सकते हैं इनको, है ना, कि ईस्टर्न लद्दाख जो इशू है वहाँ पर, जो LAC वाला इशू है, है ना, वहाँ पर जो हमारे फ्रंट चीफ हैं मीन्स आर्मी चीफ स्टाफ जनरल जो हैं, है ना, उन्होंने क्या बोला कि मनोज नरवाड़े, उन्होंने क्या बोला है कि LAC में चीज़ें तभी सही हो सकती हैं जब एक पैक्ट साइन किया जाए, एक अग्रीमेंट हो, तब चीज़ें सही हो सकती हैं, अदरवाइज ये ऐसे मीन्स चलता रहेगा। और अगर नेक्स्ट देखें तो मीन्स हमारे जो एयर स्टाफ के जो चीफ हैं वो बदले हुए हैं, उनको नाम क्या है अभी जो बदल करके नए आए हैं, और उनका कौन रहेगा, विवेक राम चौधरी टेक्स ओवर एज 27th चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो मीन्स जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं उसके जो 27वें नंबर पर जो हेड के रूप में मीन्स चुने गए हैं, जो नियुक्त होकर के आए हैं, वो कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। तो ये मेन न्यूज़ थी आज की हमारी, है ना। अब चलते हैं हम अपने मीन्स आर्टिकल की तरफ और देखेंगे कि मीन्स आज का हमारा जो डिस्कशन है किसको लेकर के है। तो मेनली अगर हम बात करें आज के हमारे डिस्कशन पर, तो अभी हाल ही में सरकार ने क्या कर दिया है, जो मिड डे मील है उसका नाम चेंज करके PM पोषण स्कीम कर दिया है ना। मिड डे मील का नाम चेंज करके क्या किया गया है, PM प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया गया है, है ना। तो उसी के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है कि मतलब जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जो स्कूल में बच्चे हैं, उनके हालात क्या हैं, कैसी चीज़ें हैं, उनके ऊपर ये डिटेल वे में लिखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। बोला गया कि फेलिंग ऑन फूड, फेलिंग का मतलब असफल होना, ऑन फूड का मतलब खाने को लेकर के जो मील उनको मिलता था उस पर हम मीन्स क्या असफल हुए हैं, है ना, ये बोलना चाह रहे हैं। पूरा पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखा कि रिसेंट डेटा ऑन चाइल्ड माल न्यूट्रिशन अंडर स्कोर द वैल्यू ऑफ गुड स्कूल मील्स, है ना। कह रहे हैं कि रिसेंट डेटा, जो हाल ही में डेटा आया है किसको लेकर के,
चाइल्ड जो बच्चे हैं उनके कुपोषण को लेकर के। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन का मतलब था कुपोषण, मतलब भरपूर जब पोषण ना मिले तो उसी को माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो कह रहे बच्चों में जो कुपोषण है, जो भरपूर उनको जो भोजन नहीं मिल रहा है खाने को, है ना, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, अंडर स्कोर, है ना। अंडर स्कोर का नॉर्मली होता है किसी चीज़ को अंडरलाइन करना, तो यहाँ पर अंडरलाइन कब करते हैं, जब हम जोर देते हैं। वो जोर देता है किसके ऊपर, द वैल्यू की, मीन्स कितना ज़्यादा उपयोगी है क्या गुड स्कूल मील, है ना, कि वैल्यू ऑफ गुड स्कूल मील्स, है ना। तो जो स्कूल में खाना वगैरह दिया जाता है उसका कितना ज़्यादा योगदान है ना, कि मीन्स उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, बोला गया है द अप्रूवल ऑफ द पीएम पोषण स्कीम बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनटिल 2025 एंड 26 कम्स एट अ क्रिटिकल टाइम, है ना, वन रियल इनकम डिक्लाइंस एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक हैव अफेक्टेड द एबिलिटी ऑफ फैमिलीज टू इंश्योर गुड न्यूट्रिशन, है ना। तो यहाँ तक हमारा पूरा एक सेंटेंस है, देखते हैं। कर अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब सहमति मिल जाना, किसको, पीएम पोषण को, है ना, प्रधानमंत्री पोषण जो योजना है, स्कीम है, उसको किसके द्वारा, कैबिनेट जो कमेटी है, किस मीन्स इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर के, है ना, मतलब आर्थिक जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनको लेकर के उसने इसको अप्रूवल दिया है, है ना। कब तक अप्रूवल दिया है, जस्ट वेट मिनट, हाँ, कब तक अप्रूवल मिला है कि 2025 और 26 तक इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और बोला गया है कि कब, मींस जो पीएम पोषण है ये मींस 2025 और 26 तक तो है ही, बोला गया कम्स, है ना, एट अ क्रिटिकल टाइम। करें ये जो अनाउंसमेंट किया गया है ये एक बहुत ही संकटपूर्ण समय में या महत्वपूर्ण समय पर आया है। वन, जब क्या हुआ है कि मींस रियल इनकम डिक्लाइंस, जो वास्तविक जो इनकम है वो क्या हो रही है, कमी आई है उसमें, मींस गिरावट देखने को मिली है, है ना। एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक हैव अफेक्टेड, मतलब जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो आर्थिक प्रभाव है किसका, कोविड-19 का, जिसने कि प्रभावित किया है, अफेक्टेड किया है किसको, एबिलिटी ऑफ फैमिलीज टू इंश्योर गुड न्यूट्रिशन, मतलब कि गुड न्यूट्रिशन का मतलब कि एक अच्छा पोषण, है ना, मिल सके, मीन्स। तो उस समय ये स्कीम लाई गई है जब जो फैमिलीज हैं, परिवार हैं, वो किससे, कोविड-19 से उनकी जो इनकम है वो कम हो गई है ना। कहना क्या चाहते हैं कि इसको 2025 तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो वही कह रहे कि उस टाइम बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर ये योजना आई है, ये पीएम पोषण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है कि पीएम पोषण क्या है। द फाइंडिंग्स इन फेज वन ऑफ द NFHS 5, है ना। अभी NFHS 5 क्या है, तो NFHS का मतलब है द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, है ना, ये इसका जो फेज़ वन है, मतलब इसकी जो फाइंडिंग्स है, फाइंडिंग्स का मतलब कि जो डेटा हमको मिला है चरण एक का, कौन से चरण का, NFHS 5 का, फॉर 22 स्टेट्स, मतलब 22 राज्यों के लिए, और यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिसंबर 2020 में। वर शॉकिंग, करें कि जो डेटा हमको मिला कि NFHS, मतलब कि द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें जो डेटा मिला है 22 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, है ना, दिसंबर 2020 में, बहुत ही इसका जो डेटा शॉकिंग है, आश्चर्यजनक है ना। चाइल्डहुड स्टंटिंग, चाइल्डहुड का मतलब जो बचपन वाला, स्टंटिंग का मतलब भूखे रहना, उनको प्रॉपर पोषण ना मिलना, रोज इन 13 स्टेट्स, ना करें 13 राज्यों में ये स्टंटिंग बढ़ी है, मतलब कि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। और क्या है, देयर वॉज हाई प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया, और क्या, प्रेवलेंस का मतलब व्याप्त होना, प्रचलित होना, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनीमिया भी देखने को मिली, बीमारी जो एनीमिया है, खून की कमी हो जाती है अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में, है ना, एंड वुमेन, औरतों में भी, महिलाओं में भी देखने को मिला है। वेस्टिंग वॉज सीरियस कंसर्न इन 12 स्टेट्स, वेस्टिंग का मतलब स्टंट, और वेस्ट का मतलब होता है कि क्या, जब प्रॉपर न्यूट्रिशन जितना अलॉट मीन्स मिलना चाहिए एक स्वस्थ मीन्स इंसान को, वो ना मिल पाना, उसी जब वो नहीं हो पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिंग और स्टंटिंग बोलते हैं ना। तो कह रहे 12 राज्यों में बहुत ही चिंता का ये विषय, स्टंटिंग जो, वेस्टिंग जो है 12 राज्यों में चिंता का विषय है।
आगे बता रहे कि द स्लिपेज ओवर द प्रीवियस सर्वे, स्लिपेज मतलब जो गिरावट है ना वो ओवर द प्रीवियस सर्वे पिछले सर्वे से है ना, पीरियड जो पिछले पीरियड वाला था उसमें से एक्सपोजेज खुलासा करना, द वर्सनिंग, वर्सनिंग का मतलब और भी ज़्यादा ख़राब कर देने वाली है ना, इस मीन्स स्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, स्कर्ट्स का मतलब बहुत ही जो समस्या का जो कारण बने, स्कर्ज ऑफ माल न्यूट्रिशन कह रहे हैं कि मतलब जो गिरावट आई है, जो पिछले वाले जो मीन्स जो चीज़ें रही हैं सर्वे रहा उसमें जो हमको देखने को मिली है कि लोग बहुत ज़्यादा जीवन स्तर उनका नीचे हुआ है, ये किसकी वजह से है कि वर्सनिंग इस मीन्स स्कर्ज ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण का जो प्रॉब्लम है, जो लोगों को प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है उसकी समस्या को और भी ज़्यादा वर्स कर रहा है, ख़राब कर रहा है ना, मीन्स बैड उसका कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है। आगे कह रहे हैं थ्रेटनिंग टू डिप्राइव, और क्या एक एक तरह से धमकी हो जा रही है, मीन्स चिंता का विषय बन जा रहा है, किसके लिए, डिप्राइव मतलब वंचित करना, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन है ना, कि कह रहे कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन बच्चे क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे किससे, फुली प्रोडक्टिव एडल्ट लाइफ ऑफ अ फुली प्रोडक्टिव एडल्ट लाइफ, मतलब कि जब भाई उनको प्रॉपर खाना पोषण नहीं मिलेगा तो उनकी जो फुली प्रोडक्टिव एडल्ट लाइफ है ना उससे वो वंचित हो जाएंगे, मतलब उनका आगे का जीवन अच्छा नहीं होगा है ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, बीमार हो जाएंगे है ना, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं, इट विल टेक अ सीरियस एफर्ट टू एड्रेस दिस हिडन सेंट्रली सपोर्टेड सॉरी क्राइसिस, कह रहे कि इट विल टेक है ना, इट विल टेक का मतलब ये जो समस्या से निपटने के लिए क्या लेगा, सीरियस एफर्ट, इसमें हमको बहुत ज़्यादा गंभीर होकर के एफर्ट प्रयास डालने की ज़रूरत है, एड्रेस का मतलब हल करना समस्या को, और कौन सी समस्या, समस्या कैसी, हिडन क्राइसिस है, हिडन क्राइसिस का मतलब संकट, क्राइसिस का मतलब संकट जो हमारे सामने है हिडन छुपा हुआ, क्योंकि लोग खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, ये क्या है, एक छुपा हुआ हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे देखते हैं, और अगर कि इसको हम एड्रेस भी करें सीरियस होके, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग बजटरी कमिटमेंट, और इसमें क्या किया जाए, बैक्ड का मतलब सपोर्ट किया जाए किससे, स्ट्रॉन्ग मजबूत, बजटरी कमिटमेंट का मतलब इसमें बजट में इसके लिए पैसा अलोकेट किया जाए, आवंटित किया जाए, पैसा इसके लिए रखा जाए, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। आगे बताया गया द सेंट्रली सपोर्टेड नॉट है ना, कह रहे हैं कि द सेंट्रली सपोर्टेड हॉट मील है ना, कह रहे कि सेंट्रल मतलब कि केंद्र सरकार क्या करे, सपोर्ट करे, और मीन्स ऐसा मील प्रोग्राम चलाया जाए, खाने वाला उनका प्रोग्राम चलाया जाए इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, मतलब सरकारी स्कूलों में और जो सरकारी स्कूलों से जुड़े हुए स्कूल हैं वो, और मीन्स इससे क्या होगा, कवरिंग 11.8 करोड़ चिल्ड्रन, कितने लोगों को कवर करके, 11.8% करोड़ बच्चों को कवर करके चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। विल बी सप्लीमेंटेड विद न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स है ना, विल बी सप्लीमेंटेड का मतलब उनको क्या किया जाएगा, सप्लीमेंट किया जाएगा, सप्लीमेंट का मतलब होता है कि मेन उनको भोजन तो मिले उसके साथ में कुछ और भी मिले, जब एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती है तो उसको सप्लीमेंट बोलते हैं, उनको सप्लीमेंट किया जाए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल का मतलब पोषण से संबंधित उनको एलिमेंट्स दिए जाएं, और आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एरियाज विद हाई एनीमिया है ना, और जहाँ जहाँ एनीमिया है उन डिस्ट्रिक्ट्स को क्या किया जाए, पहचाना जाए। द स्कीम विच इज़ प्रपोज्ड टू बी एक्सटेंडेड टू प्री, करेक्ट, स्कीम जो है ये वाली है ना, पीएम पोषण वाली, द स्कीम है ना, विच इज़ प्रपोज्ड, जो कि प्रस्तावित है, टू बी एक्सटेंडेड, जिसको बढ़ाया जाएगा, टू प्री प्राइमरी चिल्ड्रन, मतलब प्राइमरी चिल्ड्रन के पहले वाले जो बच्चे हैं है ना, आंगनबाड़ी वगैरह में पढ़ते हैं वहाँ तक भी इसको बढ़ाया जाएगा। प्रोवाइड्स फॉर सोशल ऑडिट है ना, कि क्या उपलब्ध कराता है, एक सोशल ऑडिट मतलब एक जांच की तरह देता है। क्रिएशन ऑफ सच न्यूट्रिशनल गार्डन्स है ना, कह रहे कि क्रिएशन मतलब बनाना स्कूल न्यूट्रिशनल गार्डन है ना, कि मतलब स्कूल न्यूट्रिशनल गार्डन्स बनाए जाएँ, क्यों, गार्डन्स का मतलब कि वहाँ पर ऐसा माहौल किया जाए लोगों को खाना प्रॉपर मिले है ना, टू सोर्स फ्रेश प्रोड्यूस है ना, मीन्स सोर्स फ्रेश प्रोड्यूस का मतलब कि अच्छी चीज़ें उनको मिलें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एज प्रोवाइडर्स है ना, मतलब उनमें इन्वॉल्व करें फार्मर प्रोड्यूसर जो हैं, किसान जो उपजा उत्पन्न उत्पादन करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया जाए और उपलब्ध कराएं, और क्या करें, लेज इम्फेसिस है ना, जोर दें किसके ऊपर, ऑन लोकल ठीक है फूड ट्रेडिशंस, कि लोकल फूड ट्रेडिशंस का मतलब कि जो मीन्स क्षेत्रीय स्तर पर जो खाने वगैरह दिया जाता है उस पर फोकस
किया जाए। आगे देखते हैं, वाइल दीज आर पॉजिटिव फीचर्स, करें कि ये बहुत ही पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक विशेषताएं हैं। मोमेंटम टूवर्ड्स एरेडिकेटिंग माल न्यूट्रिशन, मोमेंटम का मतलब कि गति है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं किसकी तरफ, इरेडिकेट का मतलब ख़त्म करना, माल न्यूट्रिशन मतलब कि जो कुपोषण की समस्या है उसको, हिंजेस का मतलब कि ये अटकी हुई है कहाँ पर, क्रोशली ऑन अ एनुअल बजट आउटले, है ना, ये किसके ऊपर टिकती है, ये टिकी हुई है कि राष्ट्रीय जो मतलब वार्षिक जो बजट रहेगा आउटलेज मतलब खर्च जो है उस पर कितना खर्च होगा, है ना। प्रूफ ऑफ पोषण इस वर्किंग विल लाई इन मेजरेबल आउटकम्स, है ना, और इसका मतलब जो पोषण है, जो मतलब प्रधानमंत्री पोषण जो स्कीम है, ये तब संभव हो सकती है कि मतलब जब इसको ग्राउंड लेवल पर ये क्या करे, वर्क करे, काम करे और क्या मेजरेबल आउटकम्स निकल के आए, मीन्स उचित परिणाम निकल कर के आए। आगे बताया गया, अगले स्टेंजा में अगले पैराग्राफ में देखते हैं, बोला गया है सपोर्ट फॉर पीएम पोषण, मतलब सपोर्ट क्या कि जो सहयोग है इसके लिए पीएम पोषण के लिए, विच गवर्नमेंट सेज हैज़ बीन अप्रूव्ड ओवर द 5 ईयर पीरियड एट 1,30,794 करोड़, मतलब कि 5 सालों में इतना पैसा खर्च किया जाएगा, 1,30,794 करोड़, है ना, इंक्लूडिंग 31,733 करोड़ रुपए स्टेट्स एंड यूटीज़ के लिए, मतलब यूनियन टेरेटरीज़ के लिए, मस्ट रिमेन इलास्टिक, है ना, इलास्टिक का मतलब क्या है, लचीला फ्लेक्सिबल रहे कि मतलब जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर किया जाए। आगे बताया जा रहा है, वाइल सम चाइल्ड ग्रोथ मेट्रिक्स सच एज स्टंटिंग रिक्वायर लॉन्गर विंडो टू मेजर प्रॉब्लम सच एज एनीमिया एंड हालो वेट लेंड देमसेल्स टू स्पीडी मीन्स एमिलियोरेशन, है ना, एमिलियोरेशन कहना क्या चाहते हैं, कहना चाह रहे हैं कि जो चाइल्ड ग्रोथ है ना उसके लिए हमको क्या करने की ज़रूरत है कि अलग से एक मापदंड किया जाए और एक उसके लिए लॉन्गर विंडो की ज़रूरत है। लॉन्गर विंडो का मतलब अलग से एक प्लान बनाया जाए और उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए उसको, और प्रॉब्लम सच एज एनीमिया हो गया, लो वेट है मतलब बच्चों का मीन्स अंडर वेट है, वो जितना वेट उनका होना चाहिए उतना वेट नहीं है, लेंड देमसेल्व्स टू स्पीडी एमेलियोरेशन, है ना, कि मतलब क्या एमेलियोरेशन का मतलब क्या होता है, सुधार करना, तो धीरे धीरे चीज़ें क्या होंगी, स्पीडी वे में सुधारें हम आपको उनको करें। द गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0, है ना, करें कि सरकार को क्या चाहिए कि वो क्या करे, जो सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण है इसको डेमोन्स्ट्रेट करे, इसको दिखाए, है ना, विच अमालगमेट्स, है ना, अमालगमेट्स का मतलब शामिल करना, पोषण अभियान जो कि पोषण अभियान को अपने में शामिल करेगा, है ना, स्कीम कवरिंग आंगनवाड़ी जिसमें किस, ये स्कीम किसको किसको कवर करेगी, आंगनवाड़ीज को, क्रंच का मतलब होता है कि जो बच्चे जहाँ पर रहते हैं ना शिशुगृह उनको कवर करेगी, और एडोलसेंट गर्ल, है ना, मतलब जो जो किशोर लड़कियां हैं उनको, है ना, और इस फिजिकली का मतलब कि वित्तीय रूप से स्ट्रॉन्गर दैन इट्स अर्स्टवाइल टेके कंपोनेंट पार्ट्स, है ना, कि मतलब अर्स्टवाइल का मतलब इसके जो पूर्व जो चीज़ें थी उससे काफ़ी बेहतर की जाएँ, है ना, तब चीज़ें सही हो सकती हैं। आगे बोला गया, देयर मस्ट बी मीनिंगफुल इंक्रीज इन करंट बजट एस्टिमेट ओवर द कंबाइंड पास्ट आउटले फॉर मीन सबज्यूम्ड इंडिविजुअल स्कीम्स, कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी करके यहाँ पर क्या होना, जरूर होना चाहिए मीनिंगफुल अर्थपूर्ण इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी, किसमें, करंट बजट में, है मतलब करंट जो वर्तमान बजट है उसमें इसके लिए और बढ़ोतरी की जाए, पैसा खर्च किया जाए, एस्टिमेट बनाया जाए ओवर द कंबाइंड पोस्ट आउटले, है ना, कि बाद में किस पे कितना खर्च किया जाएगा, सबज्यूम्ड इंडिविजुअली स्कीम, है ना, सबज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड करे, शामिल करे, किसको शामिल करे, कि इंडिविजुअल स्कीम्स को भी शामिल इसमें किया जाए, करे ऑन न्यूट्रिशनल प्लानिंग, करे कि जो कुपोषण से संबंधित जो प्लानिंग है, द रिन्यूड प्लान शुड इंट्रोड्यूस ग्रेटर डाइवर्सिटी, रिन्यूड प्लान का मतलब जिनको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है प्लान को, उनको मीन्स इंट्रोड्यूस करे क्या, ग्रेटर डाइवर्सिटी, ग्रेटर डाइवर्सिटी का मतलब विविधता लेकर क्या है, डाइट्स में मतलब अलग अलग चीज़ें उसमें शामिल करे, अलग अलग खाना शामिल करे, है ना, और दैट कंपेंसेट्स, जो कि क्या करे, मुआवजा दे, कंपेंसेट करे फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब छोटे छोटे जो पोषण वाली चीज़ें हैं मीन्स उनको मिलें, है ना, और प्रोटीन डिफिशेंसी की जो कमी है वो भी क्या हो, दूर हो।
आगे बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एट स्कूल। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, सप्लीमेंटेशन का मतलब कि मेन खाने के अलावा जो भी दिया जाता है वो। न्यूट्रिशन एट स्कूल, जो स्कूल पे न्यूट्रिशन हो रहा है इन द कंट्री इन, और कह रहे इन कम्युनिटी स्कूल, कह रहे कि स्कूल में किया जाए, कम्युनिटी मतलब कोई सोसाइटी वगैरह में, संप्रदाय में किया जाए, चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए जाएँ। इज क्रिटिकल है ना, ये बहुत ही क्या है, संकटपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एट अ टाइम और उस समय वन क्रिटिसिज्म ऑफ फूड इन्फ्लेशन हैज़ मेट विद टोन डीप रिस्पॉन्स है ना, करें कि और ये इस समय आया है चीज़ें, ये इंट्रोड्यूस की जा रही हैं जब फूड इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैज़ मेट विद टोन डेफ रिस्पॉन्स है ना, मतलब कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। टोन डेफ रिस्पॉन्स का मतलब इनसेंसिटिव हो जा रहे हैं है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है उस समय ये सब चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। एंड कह रहे कि पैंडमिक इंक्लूड इनकम डिक्लाइंस हैव डिप्रेस्ड एसेंशियल है ना, कह रहे कि पैंडमिक इंड्यूस्ड, पैंडमिक से संबंधित जो इनकम है वो कमी आई हैव डिप्रेस्ड, उसने क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया एसेंशियल कंजम्पशन, जो पर्याप्त रूप में खर्चा किया जाना चाहिए था लोगों के हेल्थ वगैरह पे, उस पर कमी आई है ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है ना। द लोअर ऑफ टेक ऑफ फूड ग्रेन्स है ना, ऑफ टेक का मतलब क्या है, कुल जो खरीद है फूड ग्रेन्स की फॉर नून मील है ना, दोपहर के मील के लिए, स्कीम ड्यूरिंग द पैंडमिक, पैंडमिक के दौरान, ओवर द प्रीवियस ईयर पिछले साल, पैची फूड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि मतलब पैची का मतलब कभी कभी दिया जाता था, कभी कभी नहीं दिया जाता था फूड, कुछ खाना वगैरह जो उनको डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। मैकेनिज्म इन मैनी स्टेट्स, कई सारे राज्यों में शुड सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग है ना, उनको क्या अलार्म बेल रिंगिंग सेट कर देनी चाहिए, चेतावनी वाला काम कर देना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ जनरेशन मतलब करे ये जो जनरेशन हमारी है उसका जो भविष्य है, ऑफ इंडियंस है ना, इंडिया के, इज एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब दांव पर लगा है, कहना चाह रहे हैं कि जो भारत का भविष्य, भारत के भविष्य कौन है, बच्चे हैं, तो उनका जो भविष्य है दांव पर लगा हुआ है, तो एक तरह से भारत का भविष्य क्या है, दांव पर लगा है। तो ये इन्होंने बताया कि मतलब जो नई नीति लेकर के आ रहे हैं, नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं कि पीएम पोषण, वो किस समय आई है कि जिस समय एक रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, लोगों को प्रॉपर मीन्स पोषण नहीं मिल रहा है, और उसको ये जो स्कीम है इसको लिमिट कर दिया गया है 2025 तक है ना, और हो सकता है किसकी आगे चल भी सकती, नहीं भी चल सकती है ना। तो कह रहे बहुत ही क्या संकटपूर्ण समय में ये सब सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं है ना, और उन्होंने बच्चों के ऊपर खास करके जोर दिया है। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया है ना, तो मीन्स आई होप की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, तो मीन्स चलिए यहीं तक ख़त्म करते हैं है ना, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, देखते हैं कि मीन्स कब हमारा अगला सेशन होता है, कि कोशिश करेंगे कि जल्दी हमारा अगला सेशन रहे है ना, तो ताकि चीज़ें भी आपकी चलती रहें। तो चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।